हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज हम बातें करेंगे, जो पिछली क्लास में हमने ज्वाइंस के बारे में पढ़ा था, एसक्यूएल की कुछ कुछ एसक्यूएल की बात की थी और फिर हमने ज्वाइंस की बात की थी। तो होप सो कि ज्वाइंस और बेसिक जो था एसक्यूएल की डेफिनेशन वगैरह जो भी थी जो मैंने बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है प्लस माइनस एजुकेशन डॉट सॉरी प्लस माइनस एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। आज हम बात करेंगे डीडीएल डीसीएल डीएमएल डीडीएल डीसीएल डीएमएल टीसीएल इनके बारे में, इनकी डेफिनेशंस को जानेंगे, होती क्या है ये, इनके कुछ बताऊंगा मैं आपको और कुछ एक एसक्यूएल कमांड्स जिसके बारे में, एसक्यूएल के कमांड्स विद एग्जांपल हम करेंगे। एसक्यूएल कमांड्स विद एग्जांपल, ठीक है, ये हम आज की क्लास में करेंगे और दो तीन क्लास और मैक्सिमम तीन क्लासेस मैक्सिमम में आपका सारा मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। जो भी क्लासेस आपके जो बचे हैं, तीन या चार क्लासेस में मैक्सिमम आपका डीबीएमएस आपका फुल हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे और जो भी हमारा सिलेबस बचा हो वो देखेंगे। तो आपके मेजर टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल कमांड्स जो है उसमें क्या क्या है, हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है और ये किससे रिलेट करता है, ठीक है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल को हम बोलते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है डीडीएल क्या है, फुल फॉर्म क्या होगी, तो उसकी फुल फॉर्म होगी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये बेसिकली डील करता है स्कीमा, जो डेटाबेस का स्कीमा है ना, डेटाबेस का स्कीमा से, डेटाबेस के स्कीमा को से डील करता है, डेटाबेस के स्कीमा से डील करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि क्रिएट करने में, मॉडिफाई करने में, स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है ना, या डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, मॉडिफाई करने में, उसके लिए ऑल्टर करने में, अगर कुछ आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना है उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, तो उन चीज के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, यूज टू क्रिएट मॉडिफाई द स्ट्रक्चर डेटाबेस और स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। एग्जाम्पल उसके क्रिएट हो गया, ऑल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट हो गया, रीनेम हो गया। हम इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और एक मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, छोटी सी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि उनमें आपका बहुत प्रॉब्लम रहता है, ऑल्टर के बीच में, ड्रॉप के बीच में और ट्रंकेट के बीच में, इन इन सारी चीजों, इन तीनों के हम बीच में डिफरेंस को एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे ताकि आपको याद रहे कि क्या चीज क्या काम करती है और कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो चलते हैं, होप सो कि आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्लियर होगा। ये बेसिकली डील करता है डाटाबेस के स्कीमा से रिलेटेड है और मतलब कि ये हेल्प करता है मॉडिफाई करने में डाटाबेस को, क्रिएट करने में डाटाबेस को, और मतलब स्कीमा से रिलेटेड जो भी काम होता है वो एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज देखता है। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल में हम इसको यूज करते हैं और ये बेसिकली सिंपली मैनिपुलेट करने के लिए डाटा, जैसे कि आपने एक टेबल बना दी, आपने एक टेबल बना दी, उसमें आपको मान लीजिए हमारी एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, तो ये हमारा आईडी है, ये नेम है स्टूडेंट का और ये कौन सी क्लास में वो पढ़ता है। अब भैया ये आईडी 1 2 3 4 5, अब ए बी सी डी ई, ठीक है, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, ऐसे हमारा डेटाबेस बना हुआ है। तो अब वो बोल रहा है कि भैया मुझे इसमें एक और नया स्टूडेंट आ जाता है, कोई बाहर से न्यू एडमिशन आ जाता है, न्यू एडमिशन आ जाता है, ठीक है, न्यू एडमिशन आ जाता है, उसका नाम एफ है और क्लास फोर्थ में पढ़ता है, तो उसको भी हम इसको स्टूडेंट के डेटा, जो स्कूल का डेटाबेस है स्टूडेंट का, उसमें हमें ऐड करना है। तो ऐड के लिए हम इंसर्ट यूज करेंगे,
इंसर्ट यूज करेंगे, तो इंसर्ट के लिए हम इंसर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है, हमारा उसका आईडी 6 होगी, एफ यहाँ पे, और वो कौन से क्लास में होगा। अब ऐसे किसी को डिलीट करना है, तो मान लीजिए कि ये जो 2 नंबर है ये सिलेक्ट यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, तो ये इसको डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होगी। अपडेट करना है कि भैया ये, चलो ये जैसे कि 3 जो आईडी है, जिसकी 3 आईडी है वो क्लास थर्ड से अब प्रमोट हो गया नेक्स्ट क्लास में, तो अपडेट के लिए हम यहाँ पे अपडेट का क्वेरी लगा देंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट आईडी, सॉरी सेलेक्ट सॉरी 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 अपडेट, अपडेट की कमांड लगा देंगे, अपडेट अपडेट क्या होता था यार, अपडेट आईडी इज इक्वल टू, सॉरी अपडेट क्लास इज इक्वल टू 4, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ कमांड होती है, तो इनको अपडेट कर देंगे तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ठीक है, ये बेसिकली है ना, जो आपकी जो स्कीमा बना हुआ है उसमें अपडेशन डिलीशन इंसर्शन के लिए जो भी कमांड है वो सारी चीजों के लिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम यूज करते हैं। चलते हैं अगली कमांड के लिए, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में भी है, ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक्सेस को कंट्रोल करने, डाटाबेस में जो स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए, कि इसको ग्रांट करना है रिवोक करना है, उस चीज के लिए काम आती है, ठीक है। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की भी बात हमारी हो गई है। अब आते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको अलग से भी करेंगे। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को हम अलग से भी एक पूरा मतलब अच्छे से स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में ये ए बेसिकली इसकी जब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप एटीएम को जब यूज करते हैं ट्रांजेक्शन का, तो उसमें एसिड प्रॉपर्टीज भी आती हैं, तो ये सारी चीजें ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में होती हैं। ये एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं एक बेसिकली छोटी सी चीज लेके आया हूँ कि होता क्या है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है ना, बेसिकली मैनेज करता है ट्रांजेक्शंस जो होती है डेटाबेस में। ये नहीं है कि सिर्फ एटीएम के, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, जैसे कि हमने स्टूडेंट को अपडेट किया और वो सेव नहीं किया, तो उस चीज को ये मैनेज करता है, ठीक है। दीज आर यूज टू मैनेज द चेंजेस मेड इन द डेटा, जो भी चेंजेस हमने किए हैं टेबल में, डेटा में, बाय डीएमएल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, जो भी चेंजेस हमने किए हैं डेटा में, टेबल में जो भी हमने चेंजेस किए हैं डेटा का, विद द हेल्प ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट्स, उस चीज के लिए हम ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। इट अलाउज द स्टेटमेंट, ये ग्रुप कर देता है स्टेटमेंट को लॉजिकल ट्रांजेक्शन को फॉर्म में, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल्स है वो हो गया आपका कमिट हो गया, रोल बैक हो गया, सेव पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और एसिड प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इनकी फुल फॉर्म है, ये आपका पेपर में आपसे पूछा भी गया था और इसके बारे में हम आराम से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, आइसोलेटेड, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, इनके बारे में हम आपके बाद में पढ़ेंगे। हम ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये सिर्फ एक सिंपल सी फॉर्म है कि होता क्या है, टीसीएल, डीडीएल, डीएमएल, डीडी, डीसीएल, ये सारी चीजें हम, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, बहुत छोटी क्लास में लेके आया हूँ, 20-25 मिनट की क्लास होगी, जो मैं अब बता रहा हूँ ये कुछ कमांड्स हैं कि हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है, कमांड्स हैं हम यूज कैसे करते हैं। अब क्रिएट कमांड जो है, क्रिएट कमांड हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, दिस इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस की जो कमांड है, हम उससे क्या क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब उसको क्रिएट करते क्या कैसे करते हैं, जैसे ही मान लो मैंने एक विप्रो के नाम से हम एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं, विप्रो के नाम से हम एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस विप्रो, ये हो गया सीधा। और ये जो है ना, ये डेटाबेस का नाम है, ये डेटाबेस का नाम क्रिएट डेटाबेस विप्रो। इससे क्या होगा कि आपका एक विप्रो के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब यूज डेटाबेस, यूज डेटाबेस से क्या होगा,
ये एक कमांड है कि जो आपने डेटाबेस बना रखा है उस कमांड के अंदर जाने का। ये बेसिकली जो जो आपके जो एडमिन्स वगैरह होते हैं, जो जो जिनके पास अथॉरिटी होती है, वही इन इन कमांडों को यूज कर सकता है। ठीक है, तो यूज विप्रो, अगर हम सीधा लिख देते हैं डेटाबेस नेम यूज विप्रो, तो आप जो ये यूज विप्रो है ना, ये डेटाबेस का नाम है, आप डेटाबेस इस टाइम पे उस डेटाबेस में घुस चुके हो। मतलब उस डेटाबेस को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें से इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो आप यूज डेटाबेस करके। ठीक है, आप उस डेटाबेस, आप जब तक आप किसी डेटाबेस के अंदर हो ही नहीं, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या मैनिपुलेट करोगे चीजों को, क्या उसके अंदर डालोगे, क्या नहीं डालोगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस को हमने यूज किया था, क्रिएट डेटाबेस को हम, सॉरी, यहाँ पे हमने क्रिएट डेटाबेस लिखा था। ऐसे ही अगर हम क्रिएट टेबल कर देते हैं तो वो क्या करेगा, क्रिएट, अगर हम डेटाबेस की जगह क्रिएट टेबल लिख देते हैं, क्रिएट टेबल और नेम, मैंने मान लिया सॉफ्टवेयर के नाम से, क्रिएट टेबल हमने सॉफ्टवेयर के नाम से कर दिया, तो ये जो है ये टेबल नेम है, यहाँ पे ये टेबल नेम है, तो इससे आपकी टेबल बन जाती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्रिएट टेबल सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे टेबल बना दी। अब उस टेबल में क्या आप डालना चाहते हो, आप डालना चाहते हो मान लीजिए आईडी डालना चाहते हो, किस आईडी, आप इंटीजर टाइप की डालना चाहते हो, कैरेक्टर टाइप की डालना चाहते हो, वेर कैरेक्टर टाइप की डालना चाहते हो, तो वो आपको देना पड़ेगा। आईडी मान लीजिए हमने इंटीजर टाइप की दे दी, नेम हमने कैरेक्टर टाइप का दे दिया, और एड्रेस जो है वो हमने डाल दिया वेर कैर। अब कैरेक्टर कितने टाइप, कितने का, 50 का होना चाहिए, वेर कैर मतलब एड्रेस में कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 100 का होना चाहिए। तो इससे आपका क्या होगा, आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम वही जो नीचे मैंने बताया था, आईडी जो हमारे इंटीजर टाइप की है, नेम कैर मतलब 50 कैरेक्टर्स तक आप उसमें नेम में डाल सकते हो, एड्रेस वेर कैर 100 कैरेक्टर, 100 जो है आपकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए एड्रेस की। तो इससे आपका फॉर्मेट बन गया कि एक टेबल, इस तरीके से आपकी एक स्कीमा तैयार हो गया कि ये आपका ऐसे 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 काम चलेगा, टेबल का स्कीमा ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब इंसर्ट की बारी आ जाती है कि भैया इंसर्ट क्या काम करेगा, इंसर्ट, इंसर्ट जो है, इंसर्ट इनटू द टेबल, इंसर्ट, इंसर्ट का जो काम है ना, वो उस टेबल में जो आपने ऊपर स्कीमा बनाया ना, जो यहाँ पे आपने स्कीमा बनाया है, जो ये टेबल का आपने स्कीमा बनाया था, ये क्रिएट टेबल सॉफ्टवेयर है, ये जो मैंने स्कीमा बनाया था, तो ये आपका क्या है, कैसे शो करेगा, तो ये आपका शो करेगा भैया आईडी और नेम और एड्रेस, ये आपका ऐसे शो कर देगा। ठीक है, ये अभी सिर्फ इसमें अभी मैंने कुछ नहीं डाला, अब आपको उसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमने क्या रखा था, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, अब वैल्यूज आपने डालनी है, उसमें वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज हमारे जो ये है कीवर्ड है, वैल्यूज जो हमारे कीवर्ड है, इंसर्ट इनटू सॉफ्टवेयर वैल्यूज। अब मान लीजिए हमें 1 डालनी है आईडी, ठीक है, 1 हमारी आईडी होगी, ए हमारा नेम हो गया, और जो एक्स वाई जेड हो गया वो हमारा हो गया एड्रेस। ठीक है, अब ऐसे ही आपको और डालनी है, तो इंसर्ट आई इनटू सॉफ्टवेयर वैल्यूज, अब उसमें मान लीजिए 2B XYZ, सॉरी ABC। ठीक है, तो ये अगर आप को वो देखोगे किस टेबल में आपका क्या क्या है, तो उसमें ए आ जाएगा आईडी में, सॉरी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे एक ए, यहाँ पे नेम, बी यहाँ पे, और एड्रेस में XYZ और ABC। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा हम डबल कोट्स में लिखेंगे। कई बार आपसे एरर भी पूछ सकता है पेपर में कि आप एक, आपको कोई क्वेरी दे देते हैं और उसमें एरर ढूंढनी पड़ती है, तो कि कहाँ पे एरर है, छोटी मोटी एरर वो दे देगा और पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे एरर है। तो ये ध्यान रखना कि डबल कोट्स वो नहीं लगाएगा तो वो एरर हो जाएगी। कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी इन डबल कोट्स, ये नोट है, इसको याद रखना, कैरेक्टर हमेशा डबल कोट्स में होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब
हमने भैया सेलेक्ट, हमने एक कमांड लिख दी, क्या किया भैया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब स्टार फ्रॉम टेबल नेम भैया ठीक है, हमने एक टेबल बना दी कोई भी, मान लीजिए हाइपोथेटिकल टेबल, हमने एक टेबल बना रखी है, एक डेटाबेस बना रखा है, ये हमें क्या करेगी, जितना भी उस टेबल में मटेरियल पड़ा है ना वो सारा उठा के दे देगी। मान लीजिए कि यही हमने टेबल, ऐसे टेबल बना रखी थी डेटाबेस में, ये जो हमने एक टेबल बनाई थी ऐसे, इसी को हमें चाहिए, इसको पूरा हमने देखना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमने लिख दिया, तो ये क्या करेगा, दिस विल शो ऑल द इनपुट्स यू हैव एंटर्ड इनटू द टेबुलर फॉर्म, आउटपुट वुड बी लाइक दिस, इस तरीके से आउटपुट दिखेगा। आईडी दे दिया, नेम दे दिया, एड्रेस, एड्रेस आईडी 1 है, 2 है, नेम ए बी है, और एड्रेस जो भी आपने डाल रखा है। इसमें एक बात है, स्टार बेसिकली शोज ऑल द इनपुट्स यू हैव एंटर्ड इनटू द टेबल और डेटाबेस बोल सकते हैं इसको। स्टार जो है ना वो हमारे को, अब कई बार ये पूछ सकता है कि आप, आपसे क्वेश्चन ये पुट कर सकता है कि स्टार जो है वो क्या चीज शो करेगा, पूरी की पूरी टेबल को शो करेगा या सिर्फ स्कीमा को शो करेगा या कुछ भी शो करेगा, क्या शो करेगा, ठीक है। तो स्टार जो भी आपने इनपुट कर रखा है ना टेबल में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। अब इसी, यही मान लीजिए कि ये हमने टेबल बना रखी है, टेबल बना रखी है, टेबल का नाम हमने रख रखा सॉफ्टवेयर टेबल है, ये सॉफ्टवेयर टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल नेम जो हमने रख रखा है, ये मान लीजिए, सॉरी, ये जो टेबल नेम है ये मान लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर है। अब इसमें से सिर्फ हमें आईडी निकालनी है, तो हमें क्या लिखना है, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम सॉफ्टवेयर, तो वो आपको ये शो कर देगा। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ नाम चाहिए, तो नाम के लिए सिलेक्ट नेम फ्रॉम सॉफ्टवेयर, या जो भी आपका टेबल नेम है, तो आपको वो ऐसे ही नेम कर देगा, जो भी है ए और बी ऐसे आपको शो कर देगा, ठीक है। ये सारी बातें आपके आ गई समझ में। अब एक और चीज है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर वेयर नेम इज इक्वल टू ए, तो वो ए में स्टार जो हमने लगा दिया, तो ए में जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी चीज आपको दिखाएगा, आईडी भी दिखाएगा उसकी, नेम भी दिखाएगा, एड्रेस भी दिखाएगा, तो वो सारी, एड्रेस है, सैलरी भी होगी उसकी, रोल जो भी है, कोर्स है, मतलब ब्रांच जिस डिपार्टमेंट में जिसमें वो काम करता है, अगर वो भी टेबल में एंटर कर रखे तो वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करते हैं। अब हमने एक एक हम मैंने इसमें पहले ही एक टेबल बना दी, ऑपरेटर्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। हमने इसमें एक पहले ही एक टेबल बना दी, उस टेबल में हमने क्या क्या आईडी ली, आईडी लिया है, नेम लिया है, डिपार्टमेंट लिया है और सैलरी लिया है। आईडी 1 2 3 4, दीपक, कार्तिक, कार्तिक हिमांशु, आईटी मार्केटिंग, मार्केटिंग फाइनेंस में काम करते हैं, और सैलरी 20,000, 30,000, 40,000 और 20,000, ठीक है। तो हमने एक टेबल हमने पहले से ही ले ली है, इसी टेबल के ऊपर जितने भी आगे ऑपरेटर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी टेबल के ऊपर है, तो आप इसको देख लीजिए क्या क्या कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, आपने अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी होगी तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये आपने देखा होगा। बिट वाइज ऑपरेटर कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के होते हैं भैया, एंड और नॉट। अब एंड में क्या होता है कि दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, बोथ कंडीशन आर ट्रू तो शो करेगा, ठीक है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो शो कर देगा, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो शो कर देगा, बोथ भी चल जाएंगे अगर एक भी होगी, यानी कि मान लीजिए कि 1 ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 ट्रू को 0 फॉल्स को, तो एंड में दोनों 1 1 होने चाहिए, और में एक भी 1 हो गया, एक 1 हो गया या ये 1 हो गया या ये 1 हो गया, अब दोनों 1 हो गए तो भी वो ट्रू शो करेगा, दोनों दिखा देगा, और नॉट में अगर 0 दे रखा है तो 1 शो कर देगा, और 1 दे रखा है तो 0 शो कर देगा, ये एक तरीका है। तो यही है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ओनली 1 कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, अपोजिट ऑफ गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दे रखी है वो अपोजिट हो जाएगी। अब
सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो एंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड ऑपरेटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने क्या बोला है कि भैया ये हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल है, हमने इसमें एक क्वेरी लिख दी भैया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमने दे दिया सॉफ्टवेयर, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग एंड एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000, ये हमने दे दिया। तो ये क्या करेगा भैया, ये इसमें देखेगा, चलो ठीक है भैया स्टार हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है सॉफ्टवेयर की टेबल में से, जहां पर डिपार्टमेंट मार्केटिंग हो और सैलरी जो हो 30,000 से ज्यादा हो, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो ये निकलेगा कि भैया ठीक है आपने दे दिया कंडीशन मेरे को, आपको दोनों कंडीशन एंड ऑपरेटर आपने लगाया है, तो दोनों कंडीशन आपको ट्रू चाहिए, यानी कि दोनों की कंडीशन ट्रू चाहिए आपको, यानी कि पहली कंडीशन भी ट्रू चाहिए और सेकंड कंडीशन भी ट्रू चाहिए। सेकंड पहली कंडीशन हमारी क्या थी, डिपार्टमेंट मार्केटिंग का होना चाहिए, भैया ठीक है हमने डिपार्टमेंट मार्केटिंग का होना चाहिए, तो उसमें दो है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि सैलरी जो है वो 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 30,000 से ये तो कम है, 40,000 है, ये वाली सही है आपकी सेकंड वाली कंडीशन में, मतलब इसमें एक कंडीशन फॉल्स होगी एक कंडीशन ट्रू होगी, अगर यहाँ पे और होता तो आपको दोनों शो कर देता, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो भी आपको दोनों ये शो कर देता, अगर आपको वहां पे और होता तो भी आपको दोनों शो कर देता, बट यहाँ पे एंड दे रखा है और ग्रेटर देन दे रखा है, इसलिए आपको सिर्फ जो ये वाली रो है ये वाला पूरा रो आपको शो कर देगा, जो कि आउटपुट हमारी ये आएगी, क्या आउटपुट आएगी हमारी 3 कार्तिक मार्केटिंग 40,000। ठीक है, जो आउटपुट इससे जो आई है वो हमारी ये आउटपुट आई है। ठीक है भैया, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और ऑपरेटर की तरफ। तो वो बोल रहा है कि भैया ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर वे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग एयर और सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। ठीक है भैया, अब इसी में ये देख लेते हैं एक बार, इसी में देख लेते हैं कि मैंने अभी क्या बोला था, हमें एंड का कर लिया, अब देख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर, ये बहुत बेसिक बेसिक सी क्वेरीज हैं जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती हैं, मतलब आपको आनी चाहिए थोड़ी छोटी मोटी चीजें, कहीं आपसे कुछ इनमें से कुछ ऐसा आने का नहीं है, बट आपको पता तो होगी कैसे काम करते हैं एसक्यूएल, आपको कोई यहाँ पे एडमिन का काम नहीं दे रहा, ठीक है, बट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे वर्क करती है कैसे नहीं करती, क्वेश्चन आपसे अगर ऐसे छोटे मोटे बाई चांस DSSSB ने पूछ लिए कि आप सारा हार्ड हार्ड पढ़ के जा रहे हो और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये, तो इसलिए मैं एक आपको जनरलाइज में ये मतलब आपको समझाने के लिए एक तरीके से आपको ये सारी चीजें लेके आ गया हूँ। इसके बाद हम क्वेरीज करेंगे, सब क्वेरीज करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर वेयर, अब वेयर हमने ठीक है वेयर डिपार्टमेंट जो है वो हमने डिपार्टमेंट जो हमने लिख दिया मार्केटिंग का, डिपार्टमेंट मार्केटिंग का होना चाहिए, या तो डिपार्टमेंट मार्केटिंग का हो ठीक है भैया, या और सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 30,000, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो आपको दिखा देगा। चलो भैया ठीक है, तो हमने क्या देखा भैया, ठीक है वो डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है, तो डिपार्टमेंट मार्केटिंग इसमें इसमें है इसमें है, सैलरी 30,000 से ज्यादा इसमें नहीं है इसमें है, तो भैया इसने बोला कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी ना, कोई में से भी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपको आउटपुट शो कर देगा, तो इसका आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, उनमें से देखो मार्केटिंग उसकी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो सीधा सीधा पूरे की पूरी इसको दो और तीन को जो भी जो है हमारा डेटाबेस में पड़ा हुआ है जो भी पूरा का पूरा शो कर देगा क्योंकि आपने स्टार वहां पे लगाया है। ठीक है, अब बात करते हैं इन ऑपरेटर की, सारे के सारा जो भी मैं बता रहा हूं वो उस टेबल से रिलेटेड है, तो उस टेबल को अपने माइंड में रखिए या फिर आप उसको एक एक जगह पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम सॉफ्टवेयर वेयर आईडी इन 1 3। ठीक है, हमें ये जो क्वेरी हमें दी गई है इन ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये बोल रहा है कि हमें उसमें से नेम निकालना है सॉफ्टवेयर टेबल में से जहां पे आईडी 1 और 3 है,
इन है, बिटवीन नहीं है। अगर बिटवीन होता तो वन और थ्री के बीच में जो भी होता है, या वन थ्री को इंक्लूड करता है वो, तो वो आपको सारा शो कर देता। बट इन है, आईडी इन है, मतलब एक और तीन ही हमें चाहिए, बिटवीन में वो पूरा एक दो तीन लेता, इन में सिर्फ वन और थ्री लेगा। ठीक है, तो नेम चाहिए था, तो भैया उसने ठीक है, वन और थ्री पे क्या क्या था, एक एक पे दीपक था और थ्री पे कार्तिक था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट इसमें क्वेरी नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी। अब वो क्या कह रहा है कि भैया हमारे को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, जहां पे आई डिपार्टमेंट है जो है वो आईटी होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट आईटी। अब इस क्वेरी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, इस क्वेरी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। ठीक है, इसको लिखोगे तो भी आपको यही दिखेगा। अब आपने ऐसे लिख दिया तो भी आपको यही, दोनों कंडीशन सही है। कई बार पेपर में आपसे पूछ लेता है कि भैया आपको एक टेबल बना के दे दी और उसने आपसे दो 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 आपको क्वेरी दे दी और दोनों क्वेरी सेम दे दी। आपको मान लीजिए कि यही आपकी टेबल बना रखी है, ठीक है, और उसी टेबल में आपको ये भी क्वेरी दे दी और ये क्वेरी भी दे दी, और बाद में पूछ लेगा ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ दे अबव। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि भैया ठीक है, सर ने तो, मतलब मैंने तो ये बोला था कि भैया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इन आईटी, तो भैया ठीक है, पहला कंडीशन है तो पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब दूसरा देखेगा कि भैया चलो ठीक है, कोई थोड़ा बहुत जिसने पढ़ रखा होगा बोलेगा भैया क्वेरी तो ऐसे भी लिखते हैं, उसको फर्स्ट के बारे में नहीं पता हो, जिसने कम पढ़ा हुआ है उसको फर्स्ट के बारे में नहीं पता है, तो वो बोलेगा कि भैया क्वेरी तो हम ऐसे ही लिखते हैं सिर्फ, तो बोलेगा सेकेंड, दोनों के गलत हो गए। इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर ट्रू, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अब इन जो ऑपरेटर है वहां पे, जहां पे हम एक से ज्यादा, बेसिकली जो होता है ना, एक से ज्यादा कंडीशन अगर आपको देनी हो, जैसे कि वेयर आईडी इन, मतलब कि जहां पे आपको एक से ज्यादा आपको कुछ चीजें शो करवानी हो, कुछ देखना हो, कुछ मैनिपुलेट करना हो, तो वहां पे हम इन ऑपरेटर लगाते हैं। जनरली हम वहां पे लगाते हैं, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो इन ऑपरेटर हमने यहाँ पे किया है ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका। ठीक है, होप सो आपको समझ में चीजें आई होंगी कुछ, और नहीं आई हो तो मेरे को किसी भी टाइम पे आप मैसेज कर सकते हो, वीडियो को दोबारा देख लो, नहीं दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो भैया मेरे को आप टेलीग्राम पे डीएम कर देना डायरेक्ट, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगली स्लाइड की तरफ। बिटवीन ऑपरेटर की हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से आज की ये लास्ट स्लाइड है। जी हाँ, लास्ट स्लाइड है। तो बिटवीन ऑपरेटर की हम बात करते हैं। बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है कि भैया उन उसको मिला के और उसके बीच में जो भी है वो सारे का सारा शो कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक क्वेरी लिख दी, क्या क्वेरी लिख दी भैया, हमने लिख दी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर वेयर आईडी बिटवीन वन एंड थ्री। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेयर आईडी इन वन और फोर, तो वो सिर्फ वन और फोर के बारे में दिखाता, तो वन पे दीपक था और फोर पे हिमांशु है, शायद दीपक की वन और ये फोर, और यहाँ पे सैलरी डिपार्टमेंट है आईटी, ये फाइनेंस में काम करता है और इसकी सैलरी 20,000 है और इसकी भी 20 की है। ठीक है, तो ऐसे दिखाता। अब बट इसमें बिटवीन लगा दिया, ऑपरेटर के बीच में बिटवीन लगा दिया भैया, ठीक है, आईडी बिटवीन ऑपरेटर है, तो आईडी बिटवीन में भैया वो उसको वन को भी इंक्लूड करेगा, उसके बीच में जो है उसको भी इंक्लूड करेगा और थ्री को भी इंक्लूड करेगा, यानी कि वन
उसके बीच में जो है उसको भी और थ्री को, तीनों को इंक्लूड करेगा। तो भैया उसने सारी चीज शो कर दी, ठीक है, वन पे दीपक है, सेकंड पे कार्तिक है, थर्ड पे कार्तिक है, आईटी में वो काम करता है, मार्केटिंग में काम करता है, दीपक की सैलरी 30 कार्तिक की है, 40,000 सैलरी कार्तिक की है, ठीक है, दूसरे कार्तिक की, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और, अब आपने, ठीक है भैया, इसको आपने निकाल लिया, अब आप चाहते हो कि वन एंड थ्री के अलावा, मतलब जो इसके बीच में ना आते हो ना, उसको आपको शो करना है, बिटवीन वन एंड थ्री के ना आते हो, बाकी सबको शो करना है। तो हमने क्या किया भैया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉफ्टवेयर वेयर आईडी नॉट बिटवीन वन एंड थ्री, नॉट बिटवीन वन एंड थ्री। तो उससे क्या होगा ना कि भैया जो वन और थ्री के बीच में, और वन और थ्री को एक्सक्लूड कर देगा इस कंडीशन में एक्सक्लूड कर देगा और बाकी सारी चीजों को शो कर देगा। मान लीजिए कि वन एंड थ्री के यहाँ पे हमने सिर्फ चार तक ले, पांच भी होता तो वो पांच को भी ले लेता, पांच का नवीन नाम होता तो यहाँ पे पांच भी दिखा देता, और वो मार्केटिंग में काम करता है और उसकी सैलरी जो भी है, अगर सिक्स भी होता तो वो सिक्स को भी शो कर देता, ए नाम हो उसका, वो फिनेंस में काम करता है और 40,000 उसकी सैलरी है, तो वो शो कर देता। यानी कि बिटवीन वन एंड थ्री को छोड़ के, वन एंड थ्री के बीच में जो भी है, और वन टू थ्री को एक्सक्लूड करके जितना भी डाटाबेस में पड़ा है वो सारा का सारा आपको शो कर देगा। ये काम होता है बिटवीन ऑपरेटर का। इन ऑपरेटर आपको समझ में आ गया, बिटवाइज ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको बताई थी कमांड्स, जो कुछ मैंने बताई थी आपको, सारी सेलेक्ट आईडी सॉफ्टवेयर वेयर सारी चीज आपको ये समझ में आ गई होंगी। डाटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एसक्यूएल कमांड में, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो भी मैंने आपको बताया सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, जब हम एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें कुछ है समझाने की, तो वो मैं आपको लास्ट में बिल्कुल समझाऊंगा। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ये है ना, ये मत समझिए कि बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मतलब मुश्किल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और इससे 10 से ये लगा के चलिए 8 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीबीएमएस में। आप इसको स्ट्रोंग करके चलिए, बहुत मजा आएगा। डीबीएमएस और एसक्यूएल से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आपने ये क्वेश्चन, ये आप ढंग से अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपसे क्वेश्चन पूरे होने की उम्मीद है। आप इसके बाद एमसीक्यू करिए, एमसीक्यू आपसे जो पूछे जाएंगे वो आपसे क्वेश्चंस जो बेसिकली पूछे जाते हैं, एक तो सबसे ज्यादा है ना नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप नॉर्मलाइजेशन अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रोंग करके जाइए, उसको क्लोजर मेथड को पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है क्लोजर मेथड से, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है, बट कुछ कह नहीं सकते DSSB का। आप उसको पढ़ के जाइए, प्राइमरी की निकालना है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालने, प्राइम एट्रीब्यूट निकालने हैं, तो वो सारी चीजें आपको क्लोजर मेथड बता देगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसक्यूएल कमांड से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलिए। आप, मैं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर ना कटे डीबीएमएस में, खासकर आसान टॉपिक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जभी के जभी दे दूंगा, और नहीं तो थोड़ा टाइम लगा के भी मिल जाए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।